हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अनोखे प्रोग्राम में, जहां पर आप लोगों को पता है एक सबसे सुंदर ये प्लेटफॉर्म होता है जहां पर लोग आते हैं और अपने एंजल्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, इनका नाम बृष्टि मंडल है। ये 19 साल की है और BSc की स्टूडेंट भी है। किस तरह से एंजल्स की इनकी लाइफ में एंट्री हुई, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदला, कैसे इनकी फैमिली मेंबर्स ने इनको सपोर्ट किया, हर चीज के बारे में ये आपको बताने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बृष्टि आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप ये बताइए, बिकॉज आप 19 साल की हैं सिर्फ 19 ईयर्स की, कैसे आपको और कहाँ से इस एंजल्स के बारे में पता चला, यानी कहाँ से आप इसमें एंजल्स के बारे में आपने कहाँ एनकाउंटर हुआ इनके साथ? सर, मुझे एंजल के बारे में पता चला 2019 में। ओके, 2019 में तब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तब से मुझे एंजल नंबर दिख रहा था। उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं काउंसलिंग भी की, तो बोला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो उस समय बहुत पेनफुल था वो सिचुएशन। तो उसके बाद ऐसा था, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी आकाश इंस्टीट्यूट से। ओके, तो मेरा तब नहीं हुआ था और उधर भी प्रॉब्लम था कि करियर नहीं हुआ, इधर भी ब्रेकअप वाला प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम एक साथ लग गया था। और तो सर तब एंजल नंबर बहुत दिख रहा था। उसके बाद आपकी वीडियो आया था मेरे पास 2020 में। Okay. तब मैं आपकी स्विच वर्ड्स वीडियोस देख उस टाइम आपकी। Okay. उसके बाद मुझे लगा ही था कि मुझे आपसे ही कोर्स करना है। और तब उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर था कि ड्रॉप बैच की सेकेंड ईयर था, तो तब तो मैं नहीं कर पाई। और मुझे तब एक पैरामेडिकल का कोर्स मिला था, तो मेरे पापा को बोला कि मुझे कोर्स नहीं करना है, सर नितिन सर की कोर्स करना है, मुझे मेरी इमोशन पे मास्टरी करना है, इमोशन पे। तो मैंने बाबू को बोला कि मुझे यही करना है, मुझे पैरामेडिकल नहीं करना है, इसलिए मैं सिंपल BSc में ज्वाइन कर लिया आपकी कोर्स करने के लिए। आपने मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए अपना, आपने पैरामेडिकल वगैरह सब कुछ छोड़ के आपने सिंपल BSc में इसलिए किया क्योंकि आप ये कोर्स करना चाह रही थी, राइट? हाँ। अपने मास्टर्स में इमोशंस करना चाह रही थी, इसलिए आपने ये ज्वाइन किया, राइट? आपको शेयर भी किया था कि वो जो मुझे सपने में एक बार गणेश जी का पिक्चर आया था, मैंने देखा था कि गणेश जी की मूर्ति को कोई दो लोग मेरे घर में ला रहे थे। वही सेम पिक्चर मैं बाहर गई तो उधर लिखा था 9999 और था ऊपर गणेश जी का सेम पिक्चर था, सेम टू सेम, और नीचे लिखा था बृष्टि हैप्पीनेस फॉरएवर। और ऐसे तो बहुत एंजल नंबर दिख रहा था मुझे, बहुत ज्यादा। अभी थोड़ा कम हो गया पर पहले मुझे ज्यादा एंजल नंबर दिखता था। तो और आर्कएंजल चैमुएल की मेरी बहुत सारी एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज़ फाइन पूरे दिन को ढूंढ लूँ तो नहीं मिलता है, पर जब आर्कएंजल चैमुएल से प्रेयर करती हूँ तो डायरेक्ट मिल जाता है सर। लवली लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस बृष्टि, वेरी नाइस। और आर्कएंजल राफेल का तो बहुत, मेरा जब भी हेल्थ प्रॉब्लम था, आपके कोर्स करने से पहले भी मैं जानती थी आर्कएंजल राफेल को, तो तब भी मैं प्रेयर करती थी, तो मेरा हेल्थ जब भी प्रॉब्लम करता था तो सॉल्व हो जाता था। ओके, लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे बताइए कि लाइक ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस हुआ एंजल्स के साथ कि जहां पर आपने बोला हो कि ये मेस्मराइजिंग है, या आपने आपने अचीव किया हो कुछ, मतलब लाइक आपने लगा हो कि एंजल्स आपके पास आए? एंजल्स की तो उतना ज्यादा, एंजल्स की मतलब बहुत छोटी छोटी है, और जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा वो NLP था। अच्छा, NLP था और काउंसलिंग मास्टरी। ओके, लवली। हाँ, आप मुझे बताइए कि अगर बृष्टि एग्जांपल तौर पर आपने कौन, बिकॉज यू आर द मेंबर ऑफ 9 स्टेप एज ऑफ नाउ, मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से पैटर्न थे, ऐसे कौन कौन से इमोशंस थे जिनको आपने इन कोर्सेज के माध्यम से पूरी तरह से चेंज किया है? सर, मेरा तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, डेली 200 तक हो ही जाता था। मैं डॉक्टर को दिखाई, पहले वाला डॉक्टर बोला था कि एलोपेशिया हो गया है, तो उसको डॉक्टर को 3 मंथ का मेडिसिन दिया था, खाया भी था और ज्यादा असर नहीं किया, तो मैं डॉक्टर चेंज कर दी। तब आपके कोर्स भी मैं कर रही थी और वो जो ऑडियो कोर्स था वो कर रही थी, तो
उससे मेरा हेयर फॉल मतलब बहुत ही कम हो गया है, मतलब मैक्सिमम 30, उससे ज्यादा जाता ही नहीं है और मिनिमम तो 10-15 ऐसा होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मेरी माँ को भी सिखाती थी, सुनाती थी वो, तो मेरी माँ बार बार बोलती थी कि लगा दो, ऑडियो लगा दो, बहुत अच्छा लगता था। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा बताइए आपने और क्या चेंजेस आए इन कोर्सेज को करने के बाद? और मेरा पैटर्न जो था उस टाइम तक ब्रेकअप के बाद, तो मेरा तो कुछ भी ठीक तक नहीं होता था, पर भी था मेरी तो बहुत इमोशन बहुत सामने आता था और फुल मून न्यू मून में भी बहुत प्रॉब्लम आता था, और ऐसे भी कोई भी पोर्टल हो या कुछ भी हो तो बहुत इमोशन पे बहुत भारी लगता था और हार्ट में पेन ऐसा बहुत होता था। तो एनएलपी से और एंजल से बहुत ठीक हो गया, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा पहले मैं कुछ भी काम करती थी तो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती, कंसिस्टेंट नहीं था। अभी कोई काम मतलब प्रोकास्टिनेट कर ही नहीं सकती, प्रोकास्टिनेशन हैबिट था वो, अभी कुछ काम जब मैं हैबिट बना चुकी हूँ तो वो काम अगर तबीयत भी खराब है तो काम करना ही पड़ेगा, तो छोड़ ही नहीं सकती। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको शायद पहले बीच में आपने बताया जब आपका ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे आपको डिप्रेशन के भी इश्यूज थे, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ट्विन फ्लेम के चक्कर से बाहर ही आ गई। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। तो आप बता रही हैं कि अब आपकी इन जो बेसिकली 9 स्टेप ने आपकी हेल्प करी, आपको प्रोकास्टिनेशन आपका ओवर हो गया, आपने बताया कि मेरा लाइफ ही चेंज हो गया है पूरी तरह से। आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप बहुत अच्छे से उभर गई, ओवरकम करी आप इन चीजों से? हाँ हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस। आर योर पेरेंट्स आर हैप्पी विद दीस कोर्सेस? यस। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक आपने बताया कि प्रोकास्टिनेशन आपका खत्म हो चुका है, आपका डिप्रेशन सारा खत्म हो चुका है, आपने बताया कि जो आपके पास पैटर्न्स पड़े हुए थे जो आपके इवन जो हेयर फॉल्स और साइकोसोमेटिक डिजीज बिकॉज दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस ओनली, वो सारा आपका चेंज हुआ है। इसके अलावा बताइए मुझे और कौन से इमोशंस पे आपने मास्टरी की है? सर बहुत ही मतलब मैं आपकी सैड सैड रहती थी, अभी हैप्पी रहती हूँ। जब भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, एंजल्स हर वक्त हमारे साथ है। ओह लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी इसका मतलब है कि सेल्फ लव आपका बहुत बढ़ गया। एंजल्स तो पूरी पूरी एवरी टास्क में भी एंजल्स हेल्प करता है, कोई ड्रेस भी चूज करना पड़े तब भी एंजल्स हेल्प करता है, अब अकेलापन तो लगता ही नहीं, लोनलीनेस खत्म हो चुका है सारा। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और पता ही है कि मुझे हेल्प मिलेगा एंजल से, तो टेंशन भी नहीं रहता कि ये काम हुआ गया हो गया और नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा भी नहीं लगता कि एंजल्स तो हेल्प करेंगे। वेरी नाइस। हिंदी थोड़ा खराब है और इंग्लिश भी मेरा उतना अच्छा नहीं है। एब्सोल्युटली ओके। बृष्टि मुझे बताइए कि आप अपनी उम्र के लोगों को अपने अपने जो कलीग है, यूथ है जो आपकी उम्र के हैं बच्चे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी और उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगी? सर सबको, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी, सबको ही ना एनएलपी तो करना ही चाहिए और एंजल्स की हेल्प तो सबको लेना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसका इमोशन पूरी तरह से बैलेंस हो, सबकी ही इमोशन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बहुत ऐसे डीप हूँ कि नहीं करना चाहिए कि हैप्पी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सभी इससे सीखे कुछ। Lovely, very nice. मुझे बताइए अगर आप 9 step process नहीं करती तो क्या होता? मैं तो करती ही मैंने तो सोच ही रखा था कि मुझे करना ही है और आपसे ही करना था मुझे, क्योंकि और भी बहुत सारे है जो कम प्राइस में कराता है सब, तो मुझे पहले महसूस हुआ था कि आपसे ही करना है, मैं थोड़ा वेट किया फिर मुझे आपसे ही करना था, और आपके फीस जो 9 से प्रोसेस की थे तो मेरे पापा बोला था कि तो धीरे धीरे करो धीरे धीरे, तो मैं मम्मी से पैसा लेके कर दिया। लवली, मम्मी से पैसा निकलवा लिया। ओके फाइन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो सिर्फ बेसिक एंजल कोर्स करते हैं और उसके बाद ये 21 डेज करते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं या फिर 9 स्टेप तक नहीं जाते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर पूरी तरह से जब एंजल्स की हेल्प से तो सब कुछ नहीं होता, उसके बाद तो हीलिंग भी सीखना पड़ता है, एंजल हीलिंग, और अगर हैबिट ही चेंज ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, तो
आपकी पूरी कोर्स एक्से कनेक्टेड है, एक भी कोर्स छूट जाए तो अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। सारी ही करना पड़ेगा। और आप ऐसे ट्रीट करते हो कि कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ता है। The more important, you are literally your pure soul, बच्चे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। कुछ कुछ ऐसा और बताइए कि जहाँ पे जो लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो उनके लिए आपके लिए क्या कहना है, जो एक्शन जो जो शायद आपको देख रहे हैं इस वक्त लेकिन तब भी एक्शन नहीं ले पा रहे, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? सर, एक्शन जो नहीं ले रहा वो तो मिस्टेक कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि तो करना ही पड़ेगा, फिर करना ही पड़ेगा, अभी नहीं एक्शन लेके तो बाद में करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मन तो करता है लेकिन एक्शन नहीं लेते, उनके लिए क्या कहोगे? सर, वो लोग क्यों करते हैं कि आपकी प्राइस ज्यादा है पर जो मिलेगा वो प्राइसलेस है। always blessing, Brishti, always blessing. Thank you so very much, Brishti, for coming to the show, motivate the people, inspire the people with your experience. Thank you so very much, especially to motivate, especially the young youth and their parents also. For this, because they, जैसा आपने बताया कि आप जिस ट्रॉमा में चल रही थी अपने ब्रेकअप की वजह से, because you are just 19 years of age, and आपने जैसा बताया कि आपने literally अपने अपने उस particularly emotions को अच्छा master करने के लिए आपने literally अपने अपने उस field में भी, और सबसे अच्छी बात है, I congratulate to your parents जिन्होंने आपको support किया, which is more important. Always blessings. Thank you so much for coming to the show. If anything has been left, you want to share, you can share. Thank you. Thank you. Thank you.